1950 में आज ही के दिन मशहूर लेखक और दार्शनिक अरविंद घोष का निधन हुआ था। अरविंद घोष ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने के संघर्ष में भी शामिल थे। इन्होंने मानव विकास और आध्यात्मिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी। 1962 में अरविंद घोष ने पुडुचेरी में मीरा अल्फासा के साथ मिलकर अरबिंदो आश्रम की शुरुआत की। एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, ऑन द वेदा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1955 में आज ही के दिन एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिस्टल से एडिनबरा में सीधे फोन किया था। पहली बार इतनी लंबी दूरी का फोन कॉल किया गया और वो भी इतनी तेज। इसके पहले दूसरे शहर में फोन करने की सुविधा टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही होती थी। एसटीडी के जरिए हर शहर के एक्सचेंज का एक कोड बनाया गया और ग्राहकों को फोन नंबर के पहले उस कोड को डायल करना होता था। पहली एसटीडी फोन कॉल भले ही 1955 में हो गई हो, लेकिन पूरा तंत्र बनाने में काफी वक्त लगा और 1979 में ही ये ब्रिटेन में पूरी तरह से लागू हो सका। इसी सेवा का विस्तार कर 1963 में लंदन और पेरिस के बीच बातचीत हुई तो इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग अस्तित्व में आया। इसके बाद इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग की शुरुआत हो गई। 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दी थी। बांग्लादेश दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। अलग देश बनने के बाद बांग्लादेश में कुछ वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता चली। देश में 13 राष्ट्र शासक बदले गए और 4 सैन्य बगावतें हुई। विश्व के सबसे जनबहुल देशों में बांग्लादेश का स्थान 8वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 93वां स्थान है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती हैं और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का भाग घोषित किया गया। आज ही के दिन 1977 में मिस्र ने अरब देशों से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर अल सादात ने सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और दक्षिणी यमन के राजनयिकों को आदेश दिया कि वो 24 घंटे के अंदर मिस्र छोड़कर चले जाएं। सादात का यह कदम इन चार देशों की उस संधि के विरोध में था जिसे त्रिपोली समझौते का नाम दिया गया था। पीएलओ भी इस संधि का हिस्सा था। इसमें इन देशों ने मिस्र के साथ सभी रिश्तों पर रोक लगाने की बात कही थी। इन मुल्कों का मानना था कि अनवर सादात ने इसराइल का दौरा करके एक गलत कदम उठाया था। सादात के इस दौरे के बाद मिस्र ने इसराइल को मान्यता दे दी थी, जिसकी मौजूदगी को अरब देश मानने से इनकार कर रहे थे। और 1995 में आज ही के दिन श्रीलंका की सेना ने जाफना पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका के तत्कालीन उप विदेश मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल अनिरुद्ध रातवत्ते ने उत्तरी शहर पर देश का झंडा लहराया। इस जीत को 12 सालों से जारी गृह युद्ध में श्रीलंका की सेना की ऐतिहासिक जीत बताया गया। जश्न में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह जीत तमिल टाइगर्स के खिलाफ है, न कि तमिल समुदाय के। सरकार ने लड़ाई के कारण विस्थापित हुए तमिल नागरिकों से आग्रह किया कि वो वहां वापस लौट जाएं। 1983 में शुरू हुए युद्ध में तब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। इस जीत के बावजूद जाफना प्रायद्वीप के बड़े इलाके पर विद्रोहियों का कब्जा था।